हनुमान जी हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी अंशेखर में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रात के बज रहे हैं 8 और इस टाइम मैं अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। ये बीमार होने के बावजूद भी मतलब ना आराम नहीं करता है, खेलते रहता है। इतना तबीयत ख़राब है फिर भी देखिए कैसे खेल रहा है। और रात में हम लोग ओला का इंतज़ार कर रहे थे कि ओला आए और हम लोग गए, तो यहाँ पर गाड़ी भी आ गया और हम लोग निकल चुके हैं। इतना परेशान है हम इसको लेके, लगभग 15-20 दिन से परेशान है। डॉक्टर बदल बदल के थक गए हैं लेकिन कुछ भी ठीक नहीं। हम लोग डॉक्टर का क्लिनिक खोज रहे हैं, किधर है पूरा खोज लिए थे, बोरिंग रोड में मिल ही नहीं रहा था क्योंकि ये दो जगह डॉक्टर बैठते हैं। तो एक जगह तो इनका हॉस्पिटल है बड़ा सा, उसका तो हम लोग का पता है वहीं से इलाज होता है, तो दिन में देखते हैं। और रात के समय यहाँ मतलब राजा पुल के पास देखते हैं। तो हम लोग क्लिनिक खोज रहे हैं, यहाँ पर सबसे पूछ रहे हैं। खोजते खोजते लगभग 1 घंटा बीत गया था हम लोग को, खोजते खोजते परेशान हो गए थे। तब जाके यहाँ पर देखिए एकदम अंदर है ना कि मिल ही नहीं रहा था, तब जाके हम लोग को यहाँ पे हम लोग अंदर आके खुश तो कैसे भी मिला। यहाँ भीड़ भी बहुत है यहाँ। फिर बाबू का वजन हुआ, वजन भी काफ़ी कम हो गया है, 14 किलो हो गया है, पहले 15-16 किलो, दो ढाई किलो वजन कम हो गया है इसका। उसके बाद हम लोग वेट करने लगे ना, हैप्पी बर्थडे आपका कल है। कल रात में दिखा के लगभग 10 बजे हम लोग घर पे आए थे। और डॉक्टर साहब इतना सारा जांच लिख दिए थे इसका, अल्ट्रासाउंड और टाइफाइड का और पता नहीं क्या क्या जांच लिखे हैं, वो तो हम लोग कल कराएंगे। और यहाँ पे आने के बाद इसको इतना फीवर हो गया, 103 डिग्री हो गया, 3 से ऊपर ही था। और ये ना बुखार की वजह से इतना बड़बड़ किया हुआ था, इसको ठंडा भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, पूरा मतलब बेहोश जैसे हो गया था। और हम लोग इतना डर गए थे, यहाँ पर जलपट्टी भी दे रहे हैं सर, इसका देह भी पूछ रहे थे, इतना डर गए कि हम तो रोने लग गए थे। इतना ऐसा हाल हो गया था ना, एकदम मतलब एकदम मदहोश मतलब बेहोशी जैसा हो गया था। इसको बुखार इतना था कि कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। और खाना तो लगभग मतलब कई दिन से छोड़ा हुआ है। यहाँ पे इसके पापा भी हाथ पैर पोछ रहे थे, कई बार इसके हाथ पैर पोछा रहा था यहाँ इसका देह वो पोछने के बाद, तब जाकर बुखार उतरा। और देखिए यहाँ पे फिर ये खेलना शुरू हो गया अपना, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है कि मेरा बेटा 15-20 दिन से बीमार है और कुछ नहीं खा रहा, इतना कमज़ोर हो गया ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे 1:30-2 बजे इसका बुखार उतरा, 12 बजे दवा हम लोग दिए थे, 1:30-2 बजे बुखार उतरा। हम लोग डॉक्टर के पास भी लेके जा रहे थे रात में कि एडमिट कराएंगे, लेकिन हम लोग को गाड़ी नहीं मिला 2 बजे रात में, तो फिर हम लोग वापस आ गए।